भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में अपने सभी लीग मैच जीतकर यानी कि 9-0 से बढ़त हासिल करके सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अगर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप 2023 जीतना है तो उन्हें 11-0 की बढ़त हासिल करनी होगी, वह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने नीदरलैंड के खिलाफ जीत हासिल कर विजय अभियान को जारी रखा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 410 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में नीदरलैंड की टीम 47.5 ओवर में 250 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। रोहित शर्मा, सुमन गिल, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की गेंदबाजी को लेकर रोहित शर्मा ने क्या कहा वो आगे हम आपको बताऊंगा, तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसके साथ आपको बता दें कि भारतीय टीम ने अपने विश्व कप के विजय अभियान को जारी रखा है। लगातार 8 जीत दर्ज करने के बाद नीदरलैंड के खिलाफ आखिरी मुकाबला खेलने उतरी टीम इंडिया ने 160 रन की बड़ी जीत से लीग स्टेज को खत्म किया। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की धमाकेदार शतकीय पारी के दम पर भारत ने 4 विकेट पर 410 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। जवाब में नीदरलैंड ने टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन 250 रन पर ही पूरी टीम सिमट गई। इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान ने 1-2 नहीं बल्कि 9 गेंदबाजों को मौका दिया जिसमें वो खुद भी शामिल थे। इसके साथ आपको बता दें कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने नीदरलैंड के खिलाफ गेंदबाजी में हाथ आजमाया। मैच खत्म होने के बाद जब कप्तान रोहित शर्मा से इसके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब आपके पास सिर्फ 5 ही गेंदबाज होते हैं तो आप अपनी टीम के अंदर ही कुछ विकल्प तैयार करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे पास 9 विकल्प मौजूद थे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का वो मुकाबला था जिसमें हमने कुछ चीजों को आजमाया। हमारे तेज गेंदबाज वाइट यॉर्कर आजमा रहे थे जब इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन हम इसको करके देखना चाहते थे। एक गेंदबाजी यूनिट के तौर पर हम कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे, हमें देखना था कि इससे क्या हासिल होता है। इसके साथ आपको बताना चाहूंगा कि नीदरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम के मुख्य गेंदबाजों के अलावा कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने गेंदबाजी की थी। इन दोनों को ही 1-1 विकेट हासिल हुआ था। विराट कोहली ने 3 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट चटकाए, जबकि कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 5 गेंद डाली और उनको 1 विकेट हासिल हुआ। उन्होंने नीदरलैंड का आखिरी विकेट चटकाया जिसके लिए वो 7 रन खर्च किए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी चैनल के अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने आपको सुरक्षित रखें।